वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूँ इरशाद अली। लास्ट वीडियो लेसन में परसेंटेज यानी प्रतिशत के सवालों को हमने शॉर्टकट मेथड्स यानी कि शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो लेसन में भी हम परसेंटेज के नए क्वेश्चंस को शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करना सीखेंगे। परसेंटेज को बेसिक मेथड से आपको जानना है या फिर उसकी बारीकियों को समझना है तो कोर्स अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। मेरे प्रोफाइल पर परसेंटेज बाय इरशाद अली टाइप करके सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप में, तो वो कोर्स आपके सामने आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के कंप्लीट होते ही ये चैप्टर आप जो है इस चैप्टर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। यानी इसके सारे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं परसेंटेज के, वो इजीली आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। उससे पहले मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको दिखा देता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और ये पिछले वीडियो लेसन से कैसे कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन: चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाने से खपत में 10% की कमी हो जाती है, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में हमको टाइम लगेगा, इस पर टाइम लीजिए आप, बाकी सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर ले जाएंगे परसेंटेज के, ठीक है। तो चावल के दाम में 20% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ दाम है चावल के और वृद्धि इंक्रीमेंट हुआ है, हो जाने से खपत में 10% की कमी है। पहले खपत को समझ लीजिए, खपत मतलब क्या होती है। देखिए, मान लीजिए आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली में जो है डेली जो कंजम्पशन है फूड का, मान लीजिए 2 केजी चावल आपकी फैमिली में डेली खाए जाते हैं, मतलब 2 किलो चावल आप खरीद कर लाए, उनको बनाए और वो डेली कंज्यूम कर रही है 2 केजी, तो ये हो गई आपकी खपत, ठीक है। तो 2 केजी चावल, और चावल का जो दाम था वो था 50 रुपये किलो, ठीक है, 50 रुपये किलो चावल का दाम था, ठीक। तो चावल का दाम 50 रुपये किलो था और 2 केजी आप डेली चावल खा रहे थे, ठीक। तो जब आप देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा, 100। तो 100 क्या है, 100 रुपीज़ आपका खर्च है डेली का, समझ गया आप। इसको लिखेंगे ई से या एक्सपेंडिचर से। अभी एक चीज़ आपको नज़र आई यहाँ पर, क्या ये खपत है, 2 केजी क्या थी, ये खपत थी और ये क्या था, ये दाम था, मूल्य था। खपत और दाम की आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको खर्च निकल आएगा, ठीक है। खर्च यानी एक्सपेंडिचर 100 रुपये। तो ये जनरलाइज हो गया, ये फॉर्मूला आपने बना लिया एक्सपेंडिचर का कि प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो खर्च क्या होता है, मूल्य इंटू खपत। अभी अभी जस्ट अभी सीखा है आपने, ठीक है। चलिए, तो ये इस पहली लाइन को मैंने डिकोड कर दिया, चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाने से खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपको E=PC, अभी जो देखा था हमने यहाँ पर, इसमें जो है दाम बढ़ा दिए, मतलब ये प्राइस इंक्रीज कर दिए और ये खपत कंजम्पशन में ये जो है डिक्रीमेंट कर दिया, तो इस पर जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये उतना ही रहेगा, ये घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा, तो वही होता है प्रभाव इफेक्ट, ये ठीक है आपको निकालना है ये। चलिए, अब देखिए 20% वृद्धि का क्या मतलब होता है, 10% कमी का क्या मतलब होता है, जो बेसिक वाला आपको मैंने कोर्स बताया उसको देख लेंगे तो ये चीज़ समझ आ जाएगी, क्लियर की है वहाँ से, ठीक है। अब पहले 20% का मतलब समझ लीजिए। चलिए, उसके लिए उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो डायरेक्टली आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। पहले प्रतिशत का मतलब समझिए, इसी से जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। परसेंटेज की देखिए कैसे करेंगे इसको, वेट, देखिए परसेंटेज, परसेंटेज को ब्रेक किया मैंने इस शब्द को, प्रतिशत को, प्रति में और शत में, ठीक है। प्रति शत, तो प्रति को आप इंग्लिश में बोलेंगे पर और शत को बोलेंगे 100, पर को आप बोलते हैं 100 को 100 ही बोलते हैं। तो प्रतिशत का आपको मतलब समझ आया, पर 100, पर 100 मतलब प्रत्येक 100 में से, ठीक है, प्रत्येक 100 में से, इसको प्रत्येक 100 को आप लिखते हैं 1/100, यानी 100 में से 1। तो जो परसेंटेज है 1/100, 1/100 को ही हम डिनोट करते हैं बाई परसेंटेज के साइन से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम आएगा आपको, इसको याद रख लीजिएगा कि आप जो है इसको किससे लिखते हैं, 1/100 से, ठीक। बस आपको ये याद भी नहीं रखना है ये क्या है एक्चुअली, पर 100, प्रतिशत या फिर इस तरह से। तो जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ रही होगी परसेंटेज की जगह पर आप जो है 1/100 रख सकते हैं, ठीक। अब बात आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1%, 2%, 20%, 30%, इनके क्या मतलब होते हैं, ये देखिए इनके मीनिंग में समझा देता हूँ। 20% का मतलब क्या होगा, 20 के साथ परसेंटेज का साइन रखा है, लगा हुआ है, तो अभी मैंने बताया था परसेंटेज के साइन को आप 1/100 से रिप्लेस कर सकते हैं, 20 ऐसे ही रखिए और इस परसेंटेज के निशान को 1/100 से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है, 20 और 1/100, तो डायरेक्टली आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 20 के टेबल से, 20 से कम 20 और 20 5 100,
ठीक है, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 5 बचा, कितना आ गया 1/5। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, 20% का मतलब भिन्न में अगर आप देखोगे तो 1/5 होगा, यानी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में बदल दिया गया। ठीक, दूसरा आपको 50% का क्या मतलब है, 50% के साथ में परसेंट की जगह आप 1/100 रख दीजिए, 50/100। ठीक है, तो इससे 1 0 से 1 0 का आंसर, 5 × 5 5 × 2 = 10, तो 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 को मैंने बताया था आधा, आधा मतलब हाफ, तो 50% का मतलब होता है हाफ, 50-50। ठीक, समझ आ गया होगा। और 100% का क्या मतलब होता है, 100 × 1/100, 100 का मतलब होता है 1। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया ये। 75% का क्या मतलब होता है, 75/100 कर दो तो 3/4 होता है इसका मतलब। चलिए अब ये और सीख लीजिए आप कि इनको जो है जो फ्रैक्शन दी होती है भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, एक एक देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी का यूज करने वाले हैं। 1/4 है हमारे पास, ये एक भिन्न है, इस भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है कि प्रतिशत में कितनी वैल्यू होगी इस भिन्न की। ठीक है, 1/4 है, आप एक काम करिए, 1/4 में ऊपर इसके अंश में और हर में दोनों में 100 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब आप 100 100 की गुणा करेंगे, ये कर दिया आपने, ठीक, 100 की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर, 100 की मल्टीप्लाई कर दी नीचे, तो ऊपर कितना हो गया 100, नीचे कितना हो गया 400। ठीक, आप एक काम करिए, जो ऊपर वाला 100 है उसको इस 4 के साथ ले लीजिए, और यहां पर क्या बचा 1/100, यहां डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत कीजिए अभी, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको, यहां आप क्या करिए, इस वाले 100 को इसके साथ ले लीजिए आप। ठीक, अब यहां 1/100 बचा, इसको ऐसे रख लीजिए। अब हमने अभी सीखा है जस्ट 1/100 अगर कहीं है तो उसको परसेंटेज के सिंबल से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो 1/4 ऐसे ही रखा आपने, ठीक, 1/4, और ये तो पहले से ही चल रहा है, इसी की तो वैल्यू बतानी है आपको। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, ये देखिए, इसको मैंने परसेंटेज में चेंज कर दिया, और ये क्या हुआ, इसको 25 टाइम्स आप जो है जब डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा इजीली। तो 1/4 का मतलब हो गया 25%, 1/4 को हम क्या बोलते हैं, 25%। ऐसे ही 25% को भिन्न में बदलना है, तो इसको भी अभी बताया था मैंने आपको। ठीक, कैसे बदलते हैं, इस 25% की निशान की जगह 1/100 रख देना है आपको, केवल मल्टीप्लाई में आ गया 25 चौका 100, 1/4 वैल्यू होती है 25% फ्रैक्शन की, इंपॉर्टेंट है, दो आप अपने आप कर लीजिएगा नीचे वाले। ठीक, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर आज के, देखिए अब बहुत इजी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। देखिए एक्सपेंडिचर, अभी आपको जो भी इस सवाल में आप क्या करेंगे, जो भी कमी दी हुई हो या जो भी वृद्धि दी हुई हो उसको लिख लो। ठीक है, लिख लिया आपने, ये 20% की वृद्धि पहले चावलों में, चावल के दाम में कर दी। ठीक है, दाम पहले 50 रुपये किलो थे, ठीक, चावल पहले 50 रुपये किलो था, अब उसका 20% बढ़ा दिया। ठीक, अब क्या किया, यहाँ पर देखिए इस 20% को हमने ऐसे ही लिखा, अभी अभी हमने देखा था कि 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20% को आप 1/5 भी तो लिख सकते हैं। 10% को क्या लिखा आपने, 1/10, ये मैंने कैसे लिखा डायरेक्टली, देखिए 20% अगर आपके पास है, ठीक, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए आपको जो है 20% का क्या मतलब है, इसका क्या कैसे पता लगेगा, आप क्या एक काम करिए, 20 को ऐसे रहने दीजिए और उसको 1/100 कर दीजिए, तो 20 × 100। ठीक, इस तरह से करना है। दूसरा आपको एक और करना है, 10% को आप कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो 10 इस परसेंटेज की जगह 1/100 रख दो। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1/10 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बन गए, ये मिल गए, तो 20% इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/5, और 10% इक्वल टू 1/10। यहाँ पर बोला है वृद्धि, अगर वृद्धि होती है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और खपत में कमी, तो खपत में ये क्या है हमारी, ये खपत है, और ये क्या थी, ये हमारी थी, ये हमारा एक्चुअली दाम था, प्राइस था। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे यहाँ पर, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये कमी को शो करेगा, ठीक है, इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ कमी को बताएगा, या प्लस आपका वृद्धि को बताएगा। तो अभी अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला देखा था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने देखा, तो इसमें क्या करेंगे आप, ये आप ऐसे रख लीजिए, ई इक्वल टू पी इंटू सी, यही वाला फॉर्मूला है, ऐसे लिख दिया बस मैंने इसको। ठीक है, अभी आपको जो है प्राइस है, प्राइस दिया हुआ है, और सॉरी यहाँ रुकिए, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, और ये एक्सपेंडिचर है, तो प्राइस है 20%, 20% को तो हम डील नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो नीचे वाला इसमें वैल्यू मिलेगा ना, 1/2, जो नीचे वाला हर डिनोमिनेटर है उसको आप क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे पी से, ठीक है, प्राइस से, क्योंकि ये प्राइस वाला है ना, 20% प्राइस में इंक्रीज हुआ है, तो प्राइस में कितना है 5 है।
तो अपॉन में कितना है, 5 लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ कमी हुई है तो कमी के लिए सी, ठीक है। सी क्या है, सी है आपका 10, 10 यहाँ रख दीजिए। अगर आप प्राइस और कंजम्पशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, जो अभी हमने देखा था ओरली, ठीक। तो ये आ गया 50। दूसरा अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये तो है वृद्धि, तो वृद्धि हर 5 में से कितने की हुई है, 1 की, और यहाँ पर कमी हर 10 में से कितने की हुई है, 1 की। तो आप क्या एक काम करेंगे, जो ये पी है, पी है इसमें वृद्धि हुई है, इसमें क्या हुआ था, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, 1 का, तो आप 1 यहाँ इंक्रीज कर दिए, ये पहले 5 है तो 1 इंक्रीज कर दिए, प्लस 1 करे तो 6 हो गए, अब ये 10 है, ठीक है। इस 10 में आप जो है, एक इस 10 में क्या कमी आई है, इस 1 की कमी आई है, ठीक। कमी कहाँ से निकालेंगे हम, जो ऊपर वाला है ये कमी है, इसको घटा देंगे, इसको 9, 10, इस 10 में से इस 1 को घटा देंगे तो 9 यहाँ बच जाएगा, ठीक। आपको समझ आ गया होगा, ये ऐसे ही हमने यहाँ किया है। ये देखिए जो पी है आपका, इनको लिखना आ जाना चाहिए, ये नीचे वाला होगा आपके जो खर्च में परसेंट, जो पी आपकी परसेंटेज दी हुई है पहले से ही, ठीक है, जो खर्चे की जो परसेंटेज दी हुई है उसी से निकालना होगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, वही चीज़ें रखी हैं जो सामने नज़र आ रही हैं आपको। कुछ समझ नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से समझा दूंगा इसको, ठीक। दूसरा, अब यहाँ पर वृद्धि हुई है, यानी हर 5 में से एक 5 में से एक बढ़ रहा है, हर 10 में से एक कम हो रहा है, तो यहाँ पर एक बढ़ा दीजिए और यहाँ पर एक कम कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो एक की कमी है ये ऊपर दिखाई दे रही है उसको हम लिख रहे हैं। तो ये हो गया 5 2 50 और 6 4 54, ठीक। तो ये क्या हो गया, 54। पहले था कितना एक्सपेंडिचर, 50 रुपये था, लेकिन अब 4 रुपये एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ठीक। तो कितना बढ़ा, 4 रुपये। इसका मतलब क्या है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, क्या चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज का क्या मतलब है, किसके, अब लेकिन ये परसेंटेज में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ 4 बढ़ा, 4 को ऊपर ही लिखेंगे, बट जो जिसका कंपैरिजन हम उसी से करते हैं जहाँ से शुरुआत करी थी हमने, ठीक है, ये ओल्ड वाले प्राइस से, ठीक, ओल्ड वाले खर्चे से। तो ओल्ड वाले खर्चे को नीचे लिख लिया 50 × 100, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 15 × और ये हो जाएगा 8%, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ, ये फॉर्मूला आपको राइट साइड में दिख रहा है, आंसर वही आएगा, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ठीक है। जब आपको कभी 2% वैल्यूज़ दी गई हों और वो इस तरह से हों कि वो जैसे ये है कंजम्पशन और ये, इन दोनों के बारे में ही बात की गई हो, कोई से दोनों को बढ़ा सकता है, कोई से दोनों को घटा सकता है, वो कोई से एक को बढ़ा दे, कोई से दो को घटा दे, ठीक है। क्वेश्चन का फ्रेम इस तरह का ही होता है, तो आप जो है इस पर जो है इसके सॉल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं, इतने बड़े को, कैसे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। अब जो है आप एक्स की जगह क्या रखोगे, जो पहली परसेंट है 20% की वृद्धि, तो इसको यहाँ रख दिया, वृद्धि का मतलब पॉजिटिव यानी प्लस। अब 10% की खपत में कमी, वाई यहाँ पर हो गया क्या, खपत, ठीक है। तो वाई क्या है, खपत, खपत कितनी है, 10% की कमी है, तो 10% की कमी को माइनस से शो करेंगे, कमी को यहाँ रख दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 20 × -10, ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए, माइनस की 20, अब ये तो हो गए माइनस, प्लस की 20 और माइनस की 20 में देखिए ये बड़ा है प्लस का 20, तो ये आ जाएगा 10 बच जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 200/100, ठीक। इन दोनों से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल बचा कितना, 8%, और यहाँ भी कितना आया था, 8%, ठीक है। तो सेम चीज़ें ही आपको जो है सेम आंसर मिलेगा, चाहे आप मेथड कितनी भी अप्लाई कर लो, चाहे आप बेसिक मेथड भी लगाओगे तो भी यही क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बहुत आराम से, ठीक है। अब जो है ये कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप हो गया ना आपका, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू सो मच।